हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन रेसिपीज़ बाय अनुराधा। आज हम बना रहे हैं भटूरे, इंस्टेंट भटूरे बना रही हूँ मैं। ये बहुत ही फटाफट से बन के तैयार हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, बिल्कुल फूले फूले, बिल्कुल हल्दीराम स्टाइल बना रही हूँ। ये देखिए कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिए 3 चम्मच सूजी। इसको थोड़े से मैं लिक्विड वाटर के साथ इसको अच्छे से सॉक कर लूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, बस इतना ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, बस इतना ही पानी डालना है। अब मैंने ले लिया करीब 600 ग्राम मैदा, इसको मैंने छान के एक परात में ले लिया है। और ये लिया है मैंने चीनी, नमक और मीठा सोडा। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये मैं 600 ग्राम के हिसाब से बता रही हूँ। इसमें मैंने डाल लिया है ये, और इसके साथ ही डाल दूँगी मैं इसमें 2 चम्मच भर के देसी घी। देसी घी से बहुत ही बढ़िया बनते हैं भटूरे। अगर आप चाहें तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, बट अगर देसी घी डालेंगे तो बिल्कुल वही स्टाइल में बनेंगे जैसे हमारे रेस्टोरेंट में सर्व किए जाते हैं। अब ये देखिए, इतने में वो मिक्स किया है, और ये देखिए सूजी भी अच्छे से फूल गई है, एक डो का शेप ले लिया है बिल्कुल उसने। अगर इसमें पानी एक्स्ट्रा है तो आप पानी ड्रेन कर लीजिए, उसके बाद आप इसके अंदर मिक्स कीजिए। इसको अच्छे से हाथों से आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और पानी को मैंने थोड़ा गुनगुना कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब इससे पहले डालेंगे 4 से 5 चम्मच दही, ये मिक्स कर लेंगे, और फिर जो गुनगुना पानी है उससे हम अपना आटा सेट कर लेंगे। ये देखिए, दही के साथ इसको अच्छे से करेंगे मिक्स आटे को। ये इस तरह से पूरा अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और आटा सेट कर लेंगे। पानी अब ठंडा ऐड मत कीजिएगा, गुनगुना ही ऐड कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए, ये देखिए फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको अच्छे से गूंथ लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आटा आपका बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है हमें, एकदम से स्मूथ सा सॉफ्ट सा डो हमें सेट करना है। ये देखिए अभी स्टिकी रहेगा काफ़ी परात पे, क्योंकि मैदा है तो ये चिपकेगा ही। अब इसको हम ऐसे मलते हुए गूँथ लेना है एकदम से, बहुत ज़्यादा हमें रोटियों की तरह ऐसे गूँथना नहीं है, क्योंकि ये टाइम लेता है। सबसे बढ़िया इसका तरीका ये रहता है कि आप इसको पटक पटक के परात में ही ऐसे सेट कर लीजिए, और ऐसे मलते हुए इसको हमें सेट करना है। ये देखिए अब थोड़ा सा मैंने हाथ पे लगाया देसी घी, ताकि आटा अच्छे से चिकना हो जाए, और इसको ऐसे मलते हुए हमें इसको अब थोड़ी देर हल्का सा पानी लगा के कवर कर लेंगे। मैंने इसको 1 घंटे के लिए रखा था, मैंने देखिए छोटे बर्तन में इसको शिफ्ट कर लिया है, और इसको ढककर 1 घंटे के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था। आप आटे के ड्रम वगैरह में भी रख सकते हैं। 1 घंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है, और कढ़ाई में इतने मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। ये देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है, इसको मैं उसी परात में दोबारा से शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए आप इसको एक बार फिर से ऐसे पटक लीजिए, और दोबारा से इसको सेट कर लीजिए, और फिर इस तरह से इसकी लोइयां तोड़ लेंगे हम। जितने बड़े और छोटे आपको बनाने हैं, आप उस हिसाब से आटा लीजिए। और देखिए तेल अच्छे से हीट हो चुका है, और मैं इसको बेलने लगी हूँ। अब ओवल या राउंड कैसी भी शेप में बना सकते हैं। इसको अच्छे से हाथ पे मैंने और फैला लिया है। ये देखिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लिया है मैंने। देखिए अब इसको डाला है, हल्का सा इसको प्रेस करना है। ये देखिए कितने अच्छे से फ्लफी हो गया है हमारा, बिल्कुल फूल गया है। इसको पलटते हुए हम हल्का सा प्रेस करेंगे, और इसको फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए
इसी तरीके से दूसरा आप बेल लीजिए। इसी तरीके से हम सारे अपने भटूरे तैयार कर लेंगे। ये देखिए सभी भटूरे बहुत ही ज़्यादा फूले फूले बने हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट बने हैं, अंदर से बाहर से काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए इसी तरीके से मैंने सभी भटूरों को फ्राई कर लिया है। और ये बच्चों ने इंस्टेंट ही बोले थे, मैंने छोले इसी के हिसाब से नहीं बनाए थे। ये देखिए आप काले करके भी बना सकते हैं छोलों को, मैंने सर्व कर लिया है छोलों को भटूरे के साथ। आप ग्रीन चटनी भी सर्व कर सकते हैं और मैंने प्याज कट करके रखी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।